गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम। यस। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान क्षेत्रीय केंद्र नवी मुंबई की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे हेलो दिस वॉइस, योर वॉइस इज इकोइंग। Now, am I audible? You are audible, the voice is echoing. Okay. Now is it okay? Or still it's echoing? It is echoing, still it is echoing. One second. Probably your latest twice open must gadget itself. Is it okay? Now? Yeah. Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान क्षेत्रीय केंद्र नवी मुंबई की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का चौथा दिन है। उसका विषय है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाचा भाषा एवं संप्रेषण। हेलो, वाचा भाषा एवं संप्रेषण का विकास। आज के हमारे वक्ता विशेष शिक्षक सिमी गुप्ता है, जो कि आपको इस विषय के ऊपर जागरूक करेगी। सो मैं अभी सिमी गुप्ता मैडम को बुलाना चाहूंगी। सिमी मैडम, ओवर टू यू। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है सभी को? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लगते हैं बट इनमें एक डिफरेंस है। स्पीच में हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, लैंग्वेज एक व्हीकल है हमें एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करने का, और कम्युनिकेशन जब हम अपने थॉट्स किसी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? जब हम अपने थॉट्स किसी और को एक्सचेंज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। जो कि हमारे थॉट्स एक्सप्लेन करना एक दूसरे को बहुत जरूरी है। अगर हम थॉट्स एक्सप्लेन नहीं करते या अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशन किसी और को एक्सप्लेन नहीं करते, तो हम बहुत ही अंदर अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीजों में चले जाते हैं। लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन का एक व्हीकल है जिसके थ्रू हम अपना एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बट आई एम अ नॉर्थ इंडियन, तो मेरे लिए मराठी इतनी इजी नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। जो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को हिंदी और इंग्लिश इतनी इजीली समझ में नहीं आती होगी। जो आपका एक कम्फर्ट जोन है लैंग्वेज में, जो कि मराठी है, वो मेरे लिए एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे हम एक कम्युनिकेशन क्या है, एक टूल है जिससे हम अपना पोटेंशियल पूरा एक्सप्लेन करते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, स्पीच और लैंग्वेज दोनों डिफरेंट है। स्पीच में हम क्या ध्यान देते हैं कि वर्ड का साउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर कपड़ा बोल रहा है तो उसकी जगह कपला, ल और ड के साउंड में ये ध्यान देते हैं। हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं स्पीच में कि बच्चा ड बोल रहा है, ल बोल रहा है या नहीं, जब हम बात करते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, मराठी इज अ लैंग्वेज, हिंदी इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये अलग अलग सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं। गेस्चर्स, कम्युनिकेशन में गेस्चर्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सब आता है। देन हम अपने चाइल्ड को कैसे लैंग्वेज या स्पीच में हेल्प कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो जो बच्चे सराउंडेड होते हैं स्पीच और लैंग्वेज वाले एनवायरनमेंट से,
उनकी जल्दी लैंग्वेज स्किल डेवलप्ड होती है. लाइक हम लोग बोलते हैं हमारे बच्चों को इंग्लिश बहुत अच्छी आ गई है या फिर इंग्लिश नहीं आई है, और फॉरेन में अमेरिका में या इंग्लिश उनकी इतनी फ्लुएंट क्यों होती है, क्योंकि वो उस एनवायरमेंट से सराउंडेड होते हैं. वैसे ही अगर कोई बच्चा अकेला एक कमरे में है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, तो उसके लैंग्वेज या स्पीच उतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती, जबकि उस बच्चे के कंपेयर में जो स्पीच और लैंग्वेज के सराउंडेड है, जहां आसपास बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं. क्योंकि हमने नोटिस किया होगा जब हम कुछ चीजें बोलते हैं तो बच्चे हमारी कॉपी करके उस चीज को बोलते हैं. तो इसीलिए जब भी हमारा एनवायरमेंट सराउंडेड होता है, जब हम बहुत सारी लैंग्वेज यूज करते हैं या बहुत सारे बातें करते हैं बच्चे के सामने, तो वो जल्दी जल्दी हमसे बात करने की कोशिश करता है. छोटे बच्चों में भी आपने देखा होगा कि वो बोलने की कोशिश करते हैं अगर कोई और उनसे बात करे तो. जब आप अपने छोटे बच्चों को उसे करते हैं तो वो स्माइल करते हैं, सोशल स्माइल करते हैं, क्योंकि आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो भी हमसे कम्युनिकेट करते हैं. एक अफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन होती है बच्चों से जब, और जब आप उनसे बात करें तो यूजुअली हमें उनको बहुत सोशल करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, तो उनके लैंग्वेज या फिर स्पीच में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ पाती एज कम्पेयर जो बच्चे जिनके पेरेंट्स वर्किंग है और उनको टाइम नहीं दे पाते या उनसे ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाते. जब कभी कभी हम बच्चों से बात करते हैं यूजुअली, तो वो बहुत कभी कभी समटाइम हमसे नर्वस होते हैं कि वो बात करने में हेजिटेट होते हैं. हम उतना एक्सपीरियंस उनको इतना फ्रीडम नहीं दे पाते कि वो हमसे अच्छी चीजें बोल पाए. क्रिटिकल पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेंट माइंड होता है बच्चों का. फर्स्ट 3 years जो होता है लाइफ का, वो बहुत डेवलपिंग होता है, ब्रेन उस टाइम डेवलप्ड हो रहा होता है. वो जितनी जल्दी अच्छी चीजें हम उस टाइम पे 3 साल के एज में जब तक बच्चों को सिखाते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो या फिर कोई और एक्टिविटी हो, बहुत जल्दी सीखते हैं और उनका माइंड डेवलपिंग पीरियड में होता है, इसलिए वो अच्छे से उस चीज को डेवलप करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमें स्पीच या लैंग्वेज उनकी इम्प्रूव करनी है, तो उन्हें क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बात करें, उनके सराउंडिंग में इस तरीके का एनवायरमेंट हो कि पेरेंट्स उनसे इंटरेक्ट करें, पेरेंट्स नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स उनसे अच्छे से मतलब स्पीच या लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बात करें. अब वॉइस, स्पीच एंड लैंग्वेज, ये तीनों ही एक टूल है हम किस तरीके से दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. जैसे अगर वॉइस में देखा जाए, तो अगर मैं बहुत धीरे बोलूं तो आपको सुनाई नहीं देगा, आप कहेंगे मैम यू आर नॉट ऑडिबल या कोई चीज. बच्चा अगर यहाँ बैठा है और आप बहुत दूर है, वो बहुत धीरे बोल रहा है, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है. हम बोलते हैं ना यार थोड़ा तेज बोल, नहीं सुनाई आ रहा है. तो अगर बच्चा ये धीरे बोलेगा, बहुत स्लो, जैसे मैं अभी आपको आपको लाउडली या नॉर्मली बोल रही हूँ, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो आप बोलेंगे मैम प्लीज स्लो बोलिए या मैम धीरे बोलिए, इस तरीके से. अगर बच्चा बहुत ज्यादा तेज वॉइस, का मतलब ये हुआ जब हमारा साउंड किस हिसाब से इतना लाउड स्लो टीच हम रखते हैं. हाय ये तेज हुआ, हाय दिस इज नॉर्मल. अगर हम और ज्यादा हाय, ये और नॉर्मल हुआ, दिस इज वॉइस. स्पीच में मैंने आपको पहले ही बताया, हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं कि हमारे किस तरीके से हम बोलते हैं ना, ये बोलो ला ला रा, दिस इज स्पीच. जब हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं बच्चों के, फॉर एग्जाम्पल भाई कपड़ा एंड कपला, या फिर वेफल वेफर, वेफर को बच्चे वेफल बोलते हैं. ल और र में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, तो हम बोलते हैं अरे इनको स्पीच इशू है. बट ये स्पीच इश्यूज भी अकॉर्डिंगली हमारे एज बढ़ते हैं. अब लैंग्वेज क्या होती है, जब मैंने आपको बताया अभी कि हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं एक कंफर्टेबल लैंग्वेज में, एज स्पीच अगर हम लैंग्वेज देखें तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में क्या है, कंफर्टेबल है मराठी बोलने में. उनको हिंदी और इंग्लिश जिनको आती है, वो भी यूजुअली अगर बात करते हैं, मेरे कॉलेज में ही अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो जो मराठी होते हैं ना दोनों दो लोग अगर, तो वो हिंदी में जानते हैं, हिंदी इंग्लिश में जानते हैं, बट वो कंफर्टेबल किस में, मराठी में. तो यूजुअली उनके नॉर्मली निकल जाता है मराठी लैंग्वेज, ठीक है. देन माइलस्टोन्स ऑफ स्पीच, आप देखिए इस पिक्चर को, ये माइलस्टोन्स हैं हमारे स्पीच के कि कब साउंड कौन सा बच्चा कैसे सीखता है. जैसे बच्चा पहले से ही स्पीच पैदा होते ही कुछ ना कुछ बोलता है, उसका रोना, जैसे हम बोलते हैं मदर क्या है हमारी, हमारी टीचर है, हमें समझती है सबसे ज्यादा, क्यों, वो हमें 9 मंथ तक कैरी करती है.
तो सिर्फ एक माँ होती है जिसको पता है कब बच्चा भूख से रो रहा है, कब बच्चा वॉशरूम जाने के लिए रो रहा है, या बच्चा किस चीज के लिए रो रहा है। उनको रोने का भी समझ आता है कि हाँ अभी बच्चा भूख के लिए रो रहा है, अभी बच्चे की जो क्राय है वो भूख के लिए है, अभी बच्चे की जो क्राय है वो उसने वॉशरूम कर दिया तो डायपर चेंज करने के लिए है। ये सारी चीजें ये हमारे स्पीच और लैंग्वेज में ही आती हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको दिख रहा होगा, अगर आप विजिबल है तो प साउंड है। अगर बच्चा प बचपन से बोल रहे हैं प प, वो 6 महीने से बोलना थोड़ा बहुत शुरू हो जाते हैं वर्ड्स, बट मीनिंग नहीं होती उनमें। लेकिन अगर वो प 3 यहाँ से बचपन से स्टार्ट होके 3 साल तक उस वर्ड में, उस सेंटेंस, उस शब्द में वो मास्टरेट कर लेता है उस अल्फाबेट में प, यानी कि अगर वो 3 साल तक प नहीं बोल पा रहा है तब हम कहेंगे कि हाँ उसको स्पीच डिले है। अगर वो प से 3 साल से पहले अगर वो प सही से नहीं बोल पा रहा है तब तक हम उसे नहीं बोलेंगे। अगर आप 1.5 साल में किसी स्पीच स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं कि मेरा बच्चा प नहीं बोल पाता ढंग से, पापा में पापा नहीं बोलता, कुछ और ही साउंड करता है, तो वो क्या कहेगा आपको कि मैम 3 साल तक वो मास्टरेट कर लेगा इस वर्ड को। अगर वो 3 साल से ज्यादा तक नहीं कर पाता है तब उसमें स्पीच डिले है। ऐसे कुछ और वर्ड्स भी हैं, पा मा हा ना व, ये वर्ड्स बच्चा स्टार्टिंग से लेके 3 साल तक पूरी अच्छी तरह से सीख लेता है। अगर इन वर्ड्स में कोई 3 साल के बच्चे के बाद प्रॉब्लम आती है या तब भी उसको बोलने में दिक्कत हो रही है तब हम उस बच्चे को कहेंगे कि उसको स्पीच डिले है। ठीक है, अब ब की बात हुई, बचपन से लेके ब तक हम 4 साल में मास्टरेट करते हैं, जैसे कि आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा ब क ग ड, ये सारी चीजें बच्चे 4 साल तक सीखते हैं। अगर इनमें कोई दिक्कत हो 4 साल से पहले तो वो बच्चे का एज है, वो अपने अकॉर्डिंगली डेवलप कर रहा है, हर किसी का डिफरेंट होता है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि अरे इसने तो 6 महीने में सीख लिया था ये शब्द, मेरा बच्चा तो अभी भी नहीं बोल रहा है। लेकिन हर बच्चे का माइलस्टोन अपने हिसाब से अपने डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप्ड होता है। तो अगर बच्चा 4 साल तक नहीं बोल पा रहा है तभी हम उस बच्चे को कहेंगे कि हाँ ये बच्चा नहीं बोल पा रहा है। ब वर्ड क ग ड, ठीक है। देन उसके बाद ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है र की दिक्कत होती है, वो र को ल से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया वेफर वेफल, ल में दिक्कत होती है। अगर ये बच्चा 4 साल का है कोई बच्चा और मेरे पास लेके आता है कि मैम मेरा बच्चा वेफल को वेफर को वेफल बोलता है, तो अब मैं उसको क्या सजेस्ट करूंगी कि अगर 6 साल तक आपका बच्चा र नहीं बोल पाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि मास्टर एज होती है 6 साल उनकी र की ल की, ये शब्द अगर वो 6 साल तक नहीं बोल पाएगा, प्रोलॉन्ग चल रहा है, मतलब उसके बाद भी चल रहा है, 8 साल का हो गया फिर भी वो दिक्कत आ रही है, उसको र नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा है, ल ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको बोलूंगी कि हाँ अब उसको थेरेपी देने की जरूरत है। सेम चीज स में है, स भी हम 8 साल तक अगर बच्चा नहीं बोल पाएगा तब बोलेंगे कि हाँ स नहीं बोल पाते, च 7 साल तक नहीं बोल पाएगा, श 7 साल तक नहीं बोल पाएगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ अब इसको स्पीच की, 7 साल से नहीं मतलब ज्यादा लंबा टाइम, अब ये नहीं कि 7 साल का हुआ और आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास, थोड़ा 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर लंबे पीरियड तक वो वर्ड वो चीज प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है तब हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। फिर ज झ थ ड, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट जो वर्ड्स है वो 8 साल तक हो जाता है। ठीक है, माइलस्टोन ऑफ लैंग्वेज, अब हम लैंग्वेज पे आते हैं। जो अभी तक हमने देखा वो स्पीच के माइलस्टोन्स थे, लैंग्वेज की बात करें तो बच्चा गार्गलिंग करने लग जाता है, वो हम ऐसे करते हैं तो वो ऐसे हंस के दिखाता है, चीज को बहुत अच्छे से लेते हैं कि हाँ वो हमसे सोशली एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो उस चीज को हम करते हैं कि हाँ 3 महीने का बच्चा है तो वो रिस्पॉन्स देता है हमें, ऐसे करो तो स्माइल करता है, ब्लिंक करता है, बहुत प्यारी सी स्माइल का साउंड होता है। ज्यादातर हम उसको ऐसे 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 चुटकियों से और चीजों से दिखाते हैं कि हाँ अब वो क्या कहते हैं, वो स्माइल करे, हंसे, अगर रोता भी है तो हम चीजें उसके आगे ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, 6 महीने तक बच्चा बैबलिंग करने लग जाता है, यानी लिप्स को ब ब ब ब म म
ऐसे करता है। बैबलिंग से जब वो 6 महीने में आता है तो वो बच्चा बैबलिंग करने लग जाता है। अगर आपके बच्चे 3 महीने में ये चीजें नहीं करते, सोशल इंट्रैक्शन यानी स्माइल नहीं देते, बैबलिंग नहीं कर रहे हैं 6 महीने में, तब उनमें लैंग्वेज माइलस्टोन डिले है। 12 महीने में यानी 1 साल का बच्चा फर्स्ट वर्ड बोलता है, जैसे हमारे इंडिया में यूजुअली बोला जाता है बच्चे माँ सब पहले बोलते हैं, माँ है ना, तो ये पहला वर्ड जब बच्चा बोलता है तो वो 1 साल का हो चुका होता है या 1 साल के पीरियड में वो बोल लेता है। फर्स्ट वर्ड में वो 12 मंथ का होता है 1 साल का, माँ, ठीक है। फिर 5 से लेके 40 वर्ड तक यानी मामा, पापा, काका, दादा, ये वर्ड्स वो 18 महीने का यानी कि 1.5 साल का बच्चा यूजुअली बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर 2 साल में उसका और डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे 150 से 300 वर्ड्स बोलने लग जाता है, मम्मा, मम, पापा, ये गेस्चर करके भी बोलते हैं बच्चे। जैसे अगर उसको वॉशरूम जाना है तो मम्मी का पल्ला खींचता है या चुन्नी से ऐसे करता है कि मम्मा मम्मा वॉशरूम, मम्मा शुशु, ऐसे करके बोलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड सेंटेंस उसको आ चुकी है। 3 साल में बच्चा 900 से 1000 वर्ड्स यानी अगर कुछ पूछो व्हाट्स योर नेम बेटा तो वो बताते हैं माय नेम इज दिस, ठीक है। 4 साल का बच्चा भी व्हाट्स योर नेम, व्हाट फ्रॉम वेयर आर यू, आजकल हम सिखाते हैं ना कि हाँ बच्चों को पूछो तो नोज का है पॉइंट करते हैं, आईज का है पॉइंट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 4 साल का बच्चा अपने स्कूल का नाम बताता है, मम्मी पापा का नाम बताता है, और 5 साल का बच्चा पूरे अच्छे से चीजें लॉन्ग सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। खास करके बच्चों को हम स्पीच लैंग्वेज तो बोल देते हैं बट समटाइम हमें चेक करना होता है कि कहीं वो कम्युनिकेशन में या हियरिंग में उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या पता हम बोल तो रहे हैं लेकिन वो चीज रिसीव ही ना कर रहे हो, इसीलिए रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। उनकी स्पीच तो ठीक है बट हियरिंग इशू की वजह से तो वो बोल नहीं पा रहे, ना बोलने की दिक्कत। जैसे हम उनको बोलते हैं तो वो स्माइल करते हैं, ऐसे करके वो स्माइल करते हैं, हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हैं। बच्चे को देखा होगा आपने बहुत बार रोते हैं बट वो माँ के पास जाते हैं या मम्मी बोलती है आ रही हो बेटा तो थोड़ा शांत हो जाते हैं, क्लेम डाउन हो जाते हैं कि हाँ अब काम डाउन हो जाते हैं बिल्कुल कि हाँ अब मम्मी आएगी मेरे को लेगी, तो वो शांत हो जाते हैं। जब हम फीडिंग करवाते हैं हम सबसे ज्यादा जो हमारी ओरल चीजें होती है ना यहाँ पे वो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग द पॉइंट यानी हम जब माँ फीडिंग करवाती है वो सब तब डेवलप्ड होती है हमारी ओरल स्किल। जब बच्चा सक करता है फिर रुकता है, जब उसका पेट भर जाता है तो फिर सक करता है, इस तरीके से उसका ओरल मूवमेंट होता है मुंह का ऐसे करने में। तो जब वो ओरली डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होती है बच्चे की, ठीक है, वो अलग अलग साउंड्स निकालता है अपनी खुशी के लिए। कई बार आप नहीं खेलते लेकिन वो अपने आप में भी कोई चीज देख के हंस रहा होता है ऐसे कर करके अलग अलग साउंड्स निकालता है, वो अपने ही साउंड्स को सुन रहा होता है क्योंकि उसे वो अच्छी लगती है, उसे प्लेजर फील कराती है, ठीक है। अगर वो स्पेशल क्राय है, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि मदर को समझ में आता है कि किस चीज के लिए वो रो रहा है, भूख के लिए रो रहा है, किसी नीड के लिए रो रहा है, कोई और खिलौना चाहिए उसे ना दो तो वो उस चीज के लिए रो रहा है, इस तरीके से। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स ज्यादातर आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं आपसे आई कॉन्टेक्ट बनाऊंगी, मैं जिससे बात कर रही हूँ मैं उसकी साइड फोकस करूंगी, उसकी बात सुनूंगी, क्योंकि अगर मैं उससे अपने थॉट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो मुझे कोई सॉल्यूशन दे रहा होगा या एक्सप्रेशन दे रहा होगा, मैं उस बात जो बंदा जो पर्सन वो बोल रहा है उसकी बात सुनूंगी कि हाँ वो क्या बोलना चाहता है। और अगर 1-to-1 टॉक हो रही है तो मैं डायरेक्टली उस पर्सन से बोलूंगी, ये नहीं कि तीसरे पर्सन को जाके बोलूं कि अरे ये तो वो बात उस तक पहुंचते पहुंचते कुछ और बात बन जाएगी। तो इसलिए मुझे हमेशा डायरेक्ट पर्सन से बात करनी है। अगर वो वर्बली जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ तो मैं हाथ के कुछ एक्शंस कर रही हूँ, मुंह का कुछ साउंड निकाल रही हूँ, तो ये क्या है मेरा गेस्चर अलोंग विद वर्बल मैसेजेस, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और साथ के साथ गेस्चर्स भी कर रही हूँ। देन स्पीच डिसऑर्डर्स मेनली चार टाइप के होते हैं, आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, वॉइस, लैंग्वेज। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर जब हम साउंड पे ध्यान देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कपड़ा कपला, वेफल वेफर, र ड, जो उसको ड बोलना चाहिए था तो उसने ल बोला, जब उसको ल बोलना चाहिए था तो उसने र बोला, दिस इज कॉल्ड
articulation of disorder, fluency disorder. Fluency means मेरे flow में, मेरे rhythm में मैं रुक के बोल रही हूँ, अटक के. मेरे को flow अच्छा नहीं है मेरा किसी चीज का, कोई rhythm में कोई poem गा रही तो उसमें अटक जा रही हूँ, बार बार अटकना, इसको हम fluency disorder को कहते हैं. Voice disorder, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, voice क्या होती है, जैसे मैं loud hi 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 hello, ये वॉइस डिसऑर्डर है. मैं कितना तेज बोल रही हूँ, कितना लो बोल रही हूँ, कितना धीरे बोल रही हूँ, किस रेंज में बोल रही हूँ, दिस इज कॉल्ड वॉइस डिसऑर्डर. कई बार आपने सुना होगा कि हाँ लड़का और लड़की की वॉइस अलग है. मेरी वॉइस से आपको पता चल रहा होगा आई एम अ फीमेल, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी वॉइस क्या है, हल्की है, पतली है, पिच्ड है, हाई पिच्ड है. ये कैसी है वॉइस, की वॉइस कैसी होती है, हम कहते हैं बहुत बोल्ड है, हैवी है, अरे मर्दाना आवाज है इस लड़की की. सुना होगा आपने ये, कोई अगर किसी लड़की की बहुत हैवी हाय कैसी है ऐसा, ये साउंड अगर हम वॉइस डिसऑर्डर्स में बोलते हैं तो बहुत हैवी, या फिर किसी लड़के की बहुत पतली आवाज है क्या ऐसे, दिस इज कॉल्ड वॉइस डिसऑर्डर. लैंग्वेज डिसऑर्डर, जब हमें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो, जब हमारा बच्चा हमसे कुछ कहना चाह रहा है पापा शीशे ये पा पा ऐसे, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे कि वो बोलना क्या चाह रहा है. वो बोल तो रहा है आपसे पूरी चीज, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे वो बोलना क्या चाह रहा है. दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर. लैंग्वेज प्रॉब्लम कब होती है, जब बच्चा वर्बली भी आपसे एक्सप्लेन ना कर पाए, नॉन वर्बली भी आपसे एक्सप्लेन ना कर पाए, यानी गेस्चर वाला जो मैंने आपको बताया, जब बच्चों को लैंग्वेज नहीं आती है या स्पीच अच्छी नहीं होती है, तो आपको खींचते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो वो नॉन वर्बली भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि उनकी नीड्स क्या है, तब हमें इन बच्चों में हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं. जब वो डिले हो लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे 6-3 महीने पे बच्चा क्या करता है, 6 महीने पे हम डिले कैसे पता कर सकते हैं, जब हमें नॉर्मल माइंडस्टोन बात पता हो कि हाँ इस एज पे बच्चा ये करता है, इस एज पे बच्चा ये करता है, इस एज पे बच्चा ये करता है, तब हम नॉर्मली से डिले पता करते हैं. अरे 6 महीना हो गया लेकिन बच्चा बैबलिंग नहीं कर रहा है, बब्बा मम्मा ये चीज नहीं कर रहा है, तो वो डिले है, ठीक है. सेंसरी डिप्रिवेशन, मतलब उसको सेंसेस में या तो हाइपरटोन है, या हाइपोसेंसरी इश्यूज है उसको, या फिर हाइपो. हाइपो मींस कोई चीज का उसको बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हग करना, बहुत ज्यादा टच करना उसको पसंद है. लेकिन हाइपर में क्या होगा, जब आप हल्का भी टच करें तो उसको इरिटेशन हो. आपने नोटिस किया होगा कई बार बच्चे घास पे पैर रखने से बहुत इरिटेट होते हैं, ठीक है, तो वो इरिटेशन में क्या होता है, वो नहीं करना चाहते, गीली चीज को, गुरगुरी चीज को नहीं टच करना चाहते. This is hypersensitization, ठीक है. Neurological dysfunction and defect, इसमें हमारा learning disability आ जाएगा. अब आप पूछेंगे learning disability क्या होता है, तारे जमीन पे तो सबने देखी होगी ना आमिर खान की मूवी, उसमें जो बच्चा है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है. उसमें क्या है, बच्चा उल्टा शब्द लिखता है, प को क्यू, पी को क्यू लिखेगा, नाइन को पी लिखेगा, एस को उल्टा बनाएगा, W का M लिखेगा. दिस इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, जिसकी वजह से उसको रीड करने में कोई चीज दिक्कत होती है. इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम का मैंने पहले ही बताया, जब आज की डेट में क्या होता है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, हम नैनीज के पास छोड़ देते हैं, या बेबी सिटर्स में छोड़ देते हैं, या डे केयर में छोड़ देते हैं, तो जो उनको इमोशनल अटैचमेंट मिलनी चाहिए बच्चों को जिस एज में, वो एज में वो मिल नहीं पाती उनको. क्योंकि आजकल क्या होता है, पहले की नैनीज होती थी बहुत ओल्ड एज है, तो आपने मूवीज में देखा होगा बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा नैनीज से अटैच्ड होते हैं. लेकिन आज की डेट में क्या है कि हम बेबी सिटिंग के लिए छोड़ देते हैं और डे केयर के लिए छोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, पॉटी सुसू साफ किया, खाना टाइम पे दिया, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता उनको बच्चों से. और हम पेरेंट्स होके जब उनसे अटैच नहीं है तो कोई और तो क्यों ही होगा अटैच. एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज की डेट में COVID-19. कोविड में हम सब घर में बंद थे, और अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग है तो दोनों लैपटॉप पे होते थे. बच्चा रो रहा है, फोन पकड़ा दिया, वीडियो देख रहा है, हाँ जी भाई शांत है, चलो हमारा काम हो गया, रो तो नहीं रहा, हमें परेशान तो नहीं कर रहा. यही क्या हुआ, वो एक तो सोशल नहीं हो पा रहा है,
आपने अगर नोटिस किया हो तो कोविड में ऑटिज्म के बच्चों का बहुत ज्यादा केसेस आए. क्यों? क्योंकि उनका दो ही फैक्टर होता है, इमोशनल और सोशल. सोशल वो हो नहीं पा रहे क्योंकि हम सब घर में बंद हैं. इमोशनली हम उनको टाइम दे नहीं पा रहे क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग हैं और घर में हर पर्सन वर्किंग है तो बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है. तो वो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस ही नहीं मिल पाता उन्हें कि वो बाहर जाके उस चीज को एक्सप्लोर करें या मतलब अपने ही इन्वॉल्वमेंट से जाने कि कैसे, क्योंकि बच्चा खुद से नहीं सोशली सीखता है. चाहे लैंग्वेज हो, जैसे मैंने आपको बताया क्रिटिकल एज में कई बार क्या होता है बच्चे माँ को ही भाभी या चाची बोलना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग के एज में. क्यों? क्योंकि उनके घर में जो उनसे थोड़ा बड़ा बच्चा है वो उनकी मम्मी को चाची या भाभी बोल रहा होता है, तो भाभी चाची इस तरीके से प्रोनाउंस करना शुरू कर देते हैं अपनी ही मदर को. देन लैंग्वेज थेरेपी. जब बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम इस तरीके की थेरेपी उन्हें देते हैं, मॉडलिंग थेरेपी, डायरेक्ट लैंग्वेज ट्रेनिंग, ऑपरेंट प्रोग्राम, कॉग्निशन अप्रोच, प्रैग्मेटिक अप्रोच एंड स्पीच एंड लैंग्वेज कॉम्युनिकेट. स्पीच और लैंग्वेज बन के हम कॉम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. अब कॉम्युनिकेशन किस तरीके से होती है? वर्बल कॉम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कॉम्युनिकेशन, रिटर्न कॉम्युनिकेशन एंड विजुअल कॉम्युनिकेशन. वर्बल कॉम्युनिकेशन क्या होता है? जब मैं आपसे अपने थॉट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरे ये थॉट हैं स्पीच और लैंग्वेज को लेके कि बच्चे क्यों इतना मतलब सोशली इंट्रैक्ट नहीं कर पाते, इमोशनली अच्छे से अटैच नहीं हो पाते पेरेंट्स से. ये मेरा थॉट है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने काम से ज्यादा, अपने किसी और चीज से ज्यादा. अगर वो बिजी है भी तो भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए जिस पीरियड में वो अपने बच्चे को टाइम दे सके, है ना, अच्छे से बात कर सके, इमोशनली अटैच हो सके, उस तरीके से कम्युनिकेट करे बच्चे से कि वो इजिली उनको बता पाए कि मेरे थॉट्स क्या हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरी नीड्स क्या हैं, आप ही फुलफिल करो हर चीज. नीड्स मतलब ये नहीं कि आपने उसको साइकिल चाहिए थी साइकिल ला के दे दी. समटाइम बच्चों की नीड्स होती है कि हम पेरेंट्स के साथ वीकेंड पे खेलें, पिकनिक पे जाएं, घूमें. जैसे हमने लॉकडाउन में किया, सब घर में बंद थे, कहीं घूमने नहीं गए, लेकिन लूडो बहुत चला. लूडो एक टाइम पे बिल्कुल खत्म सा हो गया था, वीडियो गेम्स ये वो, लेकिन हमने क्या किया, लूडो खेला. लूडो में एक दूसरे को सिबलिंग्स या पेरेंट्स भी मिलते हैं तो लूडो खेला, अरे तूने मेरी गोटी ज्यादा काट दी, ये कर दिया, वो कर दिया. दिस इज क्या हुआ, अच्छा हमारा एक एनवायरमेंट अच्छा क्रिएट हुआ, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया. हाँ, कोविड में बहुत सारी चीजें बुरी भी हुई, हम फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए, हर चीज उतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है, हमने अपनी फैमिली को जो टाइम देना बंद कर दिया था ना, वो टाइम देना हमने कहीं ना कहीं सीखा कि हाँ हम अगर अपनी फैमिली को टाइम देंगे तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होगा, अच्छी बॉन्डिंग होगी, हम एक दूसरे को समझेंगे. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब बच्चा पॉइंट आउट करके कोई चीज बोले, वो वर्बली तो आपसे नहीं बोल पा रहा जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो डेफ और डम बच्चे होते हैं वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, वो कम्युनिकेट तो कर रहे हैं. अपने कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अपने थॉट्स को दूसरों से एक्सचेंज करना, अपनी फीलिंग्स दूसरों से शेयर करना, और वो दूसरा बंदा भी हमसे हमारी फीलिंग्स शेयर करे, है ना, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो वो चाहे वर्बल हो, चाहे बोल के हो, या फिर गेस्चरल हो, नॉन वर्बल हो, यानी बिना बोले हो. हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन साइन लैंग्वेज से हम एक दूसरे की भाषा, अपनी फीलिंग, सारी चीजें समझ रहे हैं. आप लोगों ने सुना होगा डेफ एंड डम का एक अलग कल्चर है, एक अलग सोसाइटी है बाहर कंट्रीज में. क्यों? क्योंकि वो आपसे भले ही कम्युनिकेट ना कर पाए, लेकिन डेफ एंड डम लोगों से जिनको साइन लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ आती है, वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. आप समटाइम कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये बोलना क्या चाह रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन उनको इतने अच्छे से एक दूसरे की लैंग्वेज आती है, मतलब साइन लैंग्वेज जो है वो भी एक लैंग्वेज है, वो आती है, तो वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को बातें बता पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने फीलिंग कि आज हम सैड हैं, आज ये हुआ. हम भी घर जाते हैं तो मम्मी को सारी बातें बताते हैं ना, मम्मी सुबह से ये हुआ, आज कॉलेज में ये हुआ, सारी चीजें ऐसे 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 हुई मेरे साथ, आज मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसा बोल दिया, उसे तो समझ नहीं आता लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगा, वो मेरे साथ हमेशा ऐसे करती है. हर चीज हम वर्बली एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन नॉन वर्बली हमें बोलना कि हम कैसे बता रहे हैं, मम्मी ये चीज ऐसे, मम्मी ये वैसे,
वो साइन लैंग्वेज के थ्रू अपनी सी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। अब रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम वर्बली भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, नॉन वर्बली भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो हम लिख के एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक अगर आप लोग सब स्कूल गए होंगे तो क्या होता है, समटाइम जब लंबा पीरियड होता है टीचर का, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे यार टीचर कब जाएगी, वो हम लिख के बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं लेकिन कॉपी के लास्ट पेज पे लिख रहे हैं। ये क्या है, हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन है कि कब क्या हम कैसे बोल रहे हैं, लेकिन बोल के नहीं, ना गेस्चर के थ्रू हम रिटर्न लिख रहे हैं कि हाँ मुझे ये यार मैम कब जाएगी, यार ये पीरियड कितना लंबा चलेगा, अरे यार लंच कब होगा, यार टाइम नहीं जा रहा है। अच्छा, ये हम लिख के अपने फ्रेंड से बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिटर्न कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, अभी तक आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है कोई डाउट है क्या इसमें? विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम देख के चीजें करते हैं हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। जैसे मैंने इस इमेज के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है कि कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है। मेनली फोर टाइप के कम्युनिकेशन होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। इस तरीके से हम देख के भी सीखते हैं, देख के क्या एक्सचेंज करना चाहते हैं। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन भी जिनको कहा जाता है, कि इमेजेस के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये वाली चीज, हम बोलते हैं ना इमेजेस दिखाओ, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर मैं आपको पीपीटी नहीं दिखाती, सिर्फ वर्बली बताती, तो आपको क्लियर तो होता कहीं ना कहीं, बट उतने अच्छे से नहीं। विजुअली कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब हम देख के चीजों को सीखते हैं, जर्नलाइजेशन, जब अगर बच्चे को कुछ चीज समझ ना आ रही हो तो हम उसको फोटो दिखाते हैं, ये क्या है, एप्पल है। सबसे पहले हम उसको एप्पल दिखा के, हाथ में फील करवा के, कॉन्क्रीट के थ्रू उसको समझाते हैं कि ये एप्पल है, ये इस तरीके से विजुअली कम्युनिकेट करते हैं हम उससे। तो दिस इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। थैंक यू। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। मैम आप जो बोल रहे हो वो एकदम सही है, बट देन माय किड, उसको तो मैम स्पीच है ही नहीं, इट्स बीन 8 इयर्स। तो आप जो भी बोल रहे हो सही है, पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या इस चीज में, कि आप जो बोल रहे हो वी हैव ऑलरेडी ट्राइड इट, तो वो तो इट्स बीन मोर देन 7 इयर्स, कुछ हो ही नहीं रहा उसमें। तो अभी व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप एज अ पेरेंट, की जहाँ बच्चे को स्पीच है ही नहीं एक भी वर्ड 8 साल से, एज अ पेरेंट आप उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। और स्पीच इश्यूज हैं तो उसको ब्लोइंग, जैसे फूंक मारना, ये सारी एक्टिविटीज आप घर पे करवा सकते हैं और किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जा सकते हैं कि हाँ आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि किस तरीके से क्या एक्टिविटी आपको यूजुअली देनी है उसको घर में, जो से, क्योंकि देखिए आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी 1 घंटे के लिए बच्चे को ले जाते हैं, लेकिन 24 घंटे बच्चा आपके साथ रहता है, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है कि वो किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है जिससे उसको स्पीच उसकी अच्छी हो। जैसे मैंने आपको बताया ओरल सिस्टम उसका डेवलप्ड होना चाहिए, फूक मारना सिखाइए, बैलून्स में हवा भरने के लिए उसको ब्लोइंग सिखाइए, फूक फूक करना सिखाइए, साउंड निकालने के लिए उसको बोलिए। ये सब भी तो इट्स बीन 3 इयर्स ये सब स्कूल में स्पीच थेरेपिस्ट घर में कर रहा है, पर स्टिल ही इज नॉन वर्बल, वो सिर्फ इशारों से बात करता है और या तो आ उ वैसे ही करता है बात नाम। ये तो वी आर ट्राइंग इट ऑलमोस्ट फ्रॉम 3 इयर्स, स्कूल भी भेजते हैं उसको, हम वहां पे भी टीचर्स सेम उसको हेल्प करा रहे हैं, तो ही डज ऑल दीज थिंग्स ऑल एक्टिविटीज हैपिली, बट देन सर जब व्हेन इट टाइम्स टू स्पीक वो बोलता ही नहीं है मैम, नॉट इवन अ वर्ड। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप प्लीज आर्डन दोबारा बोलेंगे, आपने क्या बोला बीच में? हाँ मैम, मैं ये बोल रहा था कि आप जो एक्टिविटीज बोल रहे थे बहुत अच्छी है, बट ये तो वो 3-4 साल से ट्राई कर ही रहा है मैम, स्कूल में, थेरेपी सेशंस में, घर पे भी, बट द प्रॉब्लम इज कि वो बोलना ही नहीं स्टार्ट कर रहा है मैम, नो मैटर व्हाट वी ट्राई एक वर्ड भी नहीं बोलता मैम वो। आपने हियरिंग टेस्ट करवाया उनका? हाँ मैम, हियरिंग एकदम परफेक्ट है, बाकी कुछ भी इश्यूज नहीं है उसमें। ओके, आप जब जिनसे स्पीच थेरेपी ले रहे थे तो उनका उन्होंने क्या बोला, क्या इश्यूज हैं आपके बच्चे को? हम वो तो बोल रहे हैं कि
ट्राई करो एक एक वर्ड धीरे 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 धीरे, तो ही विल स्पीक. तो ही डज इट सेशंस में भी, स्कूल्स में भी वो ट्राई करता है. पर फिर जब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की बात आती है, नॉर्मल डेली लाइफ में, तो वो ही डजंट ट्राई एनीथिंग. वो सिर्फ जितना सेशंस के लिए ही ट्राइज इट. तो आपने अब जो बता रहे थे, अब 6 इयर्स में ये होना चाहिए, 7 इयर्स तक ये होना चाहिए, तो मैं तो अभी डर गया हूं मैम ये सुन के कि इट्स बीन 8 इयर्स, तो होप ही नहीं है. मैं तो एक्सक्यूज मी, हेलो मैम, कैन आई से समथिंग? मैम दिस इज प्रगति. 1 मिनट, दिस इज डॉक्टर सुप्रिया नाइक, सुपरवाइजर टू सिमी. सर टू आंसर आई डिसाइड, सिमी ने जो कहा वो सब करेक्ट है, लेकिन एज अ 7-year-old इतनी ट्रायल्स के बाद अगर हमें स्पीच नहीं मिल रही, वर्बल स्पीच नहीं मिल रही, जैसे उन्होंने बस सेकंड लास्ट स्लाइड पे कहा कि कम्युनिकेशन एक जेस्चरल हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है, पिक्टोरल या विजुअल हो सकती है, इन बच्चों पे पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम पेक्स के थ्रू हम उनकी कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट कि बच्चे में कहीं एग्रेशन या मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ मांग रहा हूँ, लेकिन आगे वाले को समझ में नहीं आ रहा, उसकी वजह से जो एग्रेशन होता है वो नहीं ज्यादा बढ़े. तो अगर हमारे बहुत सारे एफर्ट्स के बावजूद अगर हमें इम्प्रूवमेंट वर्बली नहीं मिल रही, तो आप कम्युनिकेशन के किसी और पाथ पे ज्यादा टाइम दे. इवन आपके स्पीच थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू फॉर सेम. ओके, ठीक है मैम, थैंक यू. ओके, मैम कैन आई से समथिंग? बोलिए. Yeah, nahi, I just wanted to suggest something, like it's, I may be wrong, Simi ma'am would be the right person. As sir was saying, even my child did not speak till 4.5 years. So he was also saying he was having a sign language only. Everything was normal. What I did was ki when it comes to the need-based, these kids are very clever. What they do is कि जब उनकी जरूरत है तब वो अपनी साइन लैंग्वेज या इशारे से बताते हैं और अपना नीड जो है उनकी पूरी हो जाती है. सो आई थिंक आई स्टॉप डूइंग विद माई किड वेन ही वॉज 4-5 years. कि जब तक उसने मुझे बोल के नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल सबके घर में देर इज अ वॉटर प्यूरिफायर RO, तो वो मुझे लेके जाता था किचन तक एंड ही यूज टू शो कि यहाँ पानी चाहिए. सो आई यूज टू टेल हिम, आस्क हिम रादर कि पानी क्या चाहिए बोलो. तो वो बोलता था टूटी फूटी लैंग्वेज में पानी, आई कुड अंडरस्टैंड. फिर मैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करती थी, पानी किस लिए चाहिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, क्या करना है पानी. देन ही स्टार्टेड सेइंग स्लोली स्लोली आफ्टर एन ईयर He got to कि हाँ मम्मी या पापा कोई भी फैमिली में जब तक मैं पूरी बात नहीं बोलूंगा मेरे को नहीं मेरी नीड पूरी होगी. That was this speech came out. If he is hearing, his hearing impaired, all the tests were normal, everything was normal. He just never wanted to speak. बोलना नहीं चाहता था क्योंकि उसका काम बिना बोले चल रहा था. So I would just say कि सर उसकी जो नीड बेस्ड है उसको आप वर्बल में लाओ, उसे बुलवाओ, उसको बोलो मत दो. इट वन डे व्हाट हैपेंड, इट वाज अ हार्ड फॉर मी एज अ मदर कि मैं अपने बच्चे को नहीं दे रही थी एंड ही इवन स्टार्टेड क्राइंग आल्सो. तो दैट वाज द डे एंड टुडे ही इज स्पीकिंग ऑल द थिंग, ही कैन स्पीक नाउ, टू ही इज 9-10 years old. बट फ्रॉम दैट टाइम ही स्टार्टेड स्पीकिंग क्योंकि उसको पता चला कि मेरी जो नीड है वो पूरी नहीं होगी जब तक मैं बोलूंगा नहीं. सो दैट वेज ही केम आउट विद हिज वर्ड्स विद द स्पीच. दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस, दैट्स इट. थैंक यू सो मच, आई विल डेफिनेटली ट्राई. या ओके सर. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. माय सन इज एन ऑटिस्टिक एंड ही इज 18 इयर्स ओल्ड. ही इज वर्बल बट समटाइम्स ही मेकिंग अ अनवांटेड नॉइज and unwanted babbling, not self-talking or nothing like. Hello, I am audible? Yes, ma'am. So he is an autistic and 18 years old, but sometimes he is making a noise to just get the attention or anyway. It's just nothing, no reason. There is some noise he can making. So how can we stop it over that?
Yes, Dr. Supriya Naik, I will answer the question. Yeah, so sure. For our autism kids, this seems to be auditory seeming, we call it. That is, a child is seeking a lot of auditory stimulus. Agar wo aaspaas nahi mile, to wo khud create karte hain. So this child seems to be a hypersensitive to auditory stimulus. तो अगर आप उसे ऐसे एक्टिविटीज में या ऐसा आपका घर का माहौल बनाएं कि उसके कॉर्नर में उसके पास काफी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है या कुछ बेल्स है या घुंघरू है, ऐसे कुछ टॉयज जिसमें बहुत सारी आवाजें होती है, अगर वो आप अप्लाई करें, प्लस आप उसके साथ और उसके ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें जहाँ पे सिंगिंग मोड हो सकती है, तो ये जो बिहेवियर ये थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है. ऑल्सो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, जब भी वो लंबे टाइम तक शांत हो और वेरी गुड एंड वो अप्रोप्रिएटली स्टेटमेंट बता रहा है, जब भी नेगेटिव जब भी वो एक इम्पल्सिव साउंड करता है, नॉन मीनिंगफुल साउंड करता है, तो एक नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट से भी ये बिहेवियर कम हो सकते हैं. ओके, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी देता है इस रिगार्ड्स में. ओके, Hello, madam. That's the activity time. He cannot make the noise. It's just a free time, or he is maybe watching TV or somewhere, and suddenly he can make the sounds. That is not a particular that way that I can say a particular time or particular problem. See, I can understand when he cannot express and he just want to express or tell to something and make a tantrum. That's it's okay. That's I can understand. But without reason suddenly is everybody is watching TV or watching scene, matlab anything, or he can sit alone, he can reading and he can make a sound. So what is the reason on behind that and how can we stop it? Well, that one part is very good that we can appreciate and give the reinforcement therapy, so that we can do at home. Okay, see, it's a child of what age we're talking about? In 18 years. 18 years. So right now what I can understand is his behaviors are very much set. This age, it's very difficult to alter behaviors, but yes, a slow progressive decline ho sakta in cheezon mein with the things I said before. Like, okay. As a child, I would have given more intense auditory rich toys, auditory rich stimulations to reduce it. As a child, agar ki case hota. Lekin as an adult, only I can understand selective reinforcement can help him. And that's all. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Hello? Ji, boliye. हाँ मैडम, मैं आयन पाटिल बात कर रहा हूँ. हेलो. हाँ, प्रॉब्लम बोलिए, हम सब सुन रहे हैं. हाँ मैडम, हमारा लड़का जो है वो ऑटिस्टिक और डिसऑर्डर भी है उसको, और लैंग्वेज का प्रॉब्लम है. 10 साल का अभी पूरा होगा. हेलो. आपका फुल नहीं सुनाई दिया. ऑटिस्टिक है, उससे कुछ डिसऑर्डर है आपने कहा, उसके बाद आपने कुछ क्या बताया? वो 10 साल का पूरा हो गया है, उसको अभी भी स्पीच अच्छे तरीके से नहीं आता है मैडम. वो आई, पप्पा, नाना, साइकिल वगैरह वो बात करता है, इतने ही शब्द बोलता है. ओके. अब व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, अभी किसी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि नीड बेस्ड आप लैंग्वेज शुरू करें, आप उसको भी फॉलो कीजिए. ऑल्सो बच्चे का अगर बेसिक वर्ड्स है, चांसेस आर लेस हियरिंग इशू के, लेकिन फिर भी एक हियरिंग रूल आउट कीजिए, उसकी आईडी मतलब आईक्यू टेस्टिंग करवा लीजिए. इफ दीज थिंग्स आर डन, देन हम लैंग्वेज स्ट्रैटेजीज के थ्रू उसे इंटेंसिव देख सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है. क्या वो कहीं ओरल लेवल पे है या प्री लिंग्विस्टिक, जैसे आई कॉन्टैक्ट, अटेंशन, सिटिंग बिहेवियर में कुछ इशू है, तो डिटेल्स देखना पड़ेगा सर. 10 ईयर्स में नहीं बात करने के क्या कारण हो रहा है, क्या वो सुनना, समझ या ओरल लेवल जो है. और टेस्ट आपने क्या आईक्यू टेस्ट बताया मैडम? पहले सुनने की टेस्टिंग, हेलो, फिर आईक्यू टेस्टिंग एंड एक और फिर एक सुनने की ओरल हियरिंग टेस्टिंग हो गया. इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत ही कम है यहाँ पे, तो जैसे मैंने कहा ये तीनों टेस्टिंग के साथ एक थेरेपिस्ट डिटेल बता सकता है.
ओके मैम, अच्छा आई हैव अ मैम, तो ये टेस्टिंग कहाँ पे होती है? किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकता है। ओके मैम, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑल राइट, थैंक यू। हमारे लिक्विड हॉस्पिटल्स में भी होता है। ओके मैडम, 10 साल के आगे वो कितने साल तक हमें उसको प्रयत्न करके रहना पड़ेगा कि वो बोल सकता है? देखिए, जैसे ही मैं कहूंगी जितना एक 7-6 साल हो गए और कम ही बोल रहा है, तो आप मेनली कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए कि उसकी बातें हमें समझ में आए। वो ओरली ही वो जरूरी नहीं है, आप उसको पिक्टोरल, जेस्चरल, नॉन वर्बल, ये सारी चीजें सिखा सकते हैं, जो सिमी जी ने बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेन किए। ओके ठीक है। मैम कह रहा है आपका क्वेश्चन जी, सिमी यू कैन आंसर, ट्राई टू आंसर लेटर, इमीडिएट आई विल पुट इन सम मोर पॉइंट्स। यस, पूछिए। मैम, मेरे ना डॉटर में आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हमें लगता है कि है, क्योंकि वो बहुत सारे हिंदी के शब्दों को गलत बोलती है। तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के लिए क्या फिजिकल क्लासेस देना जरूरी है कि वो ऑनलाइन उस चीज के लिए वर्क कर सकते हैं थेरेपिस्ट? डज दिस हैज अ रोल विद द टंग ऑफ अ चाइल्ड और इट इज जस्ट लर्निंग हाउ टू स्पीक? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? यस मैम। I think Simi madam is not there. Yeah, it seems that she's not there. But who will answer the questions? Yes, sorry. I'm here. Yeah. Okay, sorry ma'am. Is there any question? Yeah, I have a question regarding my daughter. My daughter is absolutely normal child. But she has articulation. This is not clear. Srishti Setha. Ji, aapki voice clear nahi hai. Abhi clear hai ma'am? Is it clear right now? Ek second. I think mere hand se issue hai. Give me a second. Ma'am, please share the link for attendance. Yes ma'am, give me a second. हेलो हेलो हेलो, मैं चिमी की सुपरवाइजर हूँ, मैं भी हूँ सेशन में। आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, आई कैन हियर यू, मैं आंसर कर लूंगी। हाँ जी प्लीज, मुझे आंसर ये चाहिए कि जो मेरी डॉटर है, शी इज अ नॉर्मल चाइल्ड, बट वी फाइंड आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर इन हर प्रोबेबली बिकॉज वो बच्चा हिंदी के कुछ शब्दों को सही ढंग से नहीं बोल पाती है। एंड शी ऑलरेडी, मुझे एग्जाम्पल दीजिए। ट ट है, ब और भ है, छ और झ है। ओके, देखिए मिस आर्टिकुलेशन में सोचिए, अगर बच्चा बोलने में दिक्कत कर रहा है तो पहले उसकी सुनने की जांच, दूसरा उसकी ओरल मस्कुलेचर, टंग, जॉ, इसकी कोऑर्डिनेशन एंड समझ, ये तीनों चेकिंग अगर ठीक से हो चुके हैं तो फोनेटिक प्लेसमेंट एक थेरेपी होती है जो आर्टिकुलेशन में हम करवाते हैं, उसे इट शुड बिकम फाइन, प्रोवाइडेड योर चाइल्ड हैज नो आईडी इश्यूज। ओके, नो नथिंग, शी इज अ नॉर्मल चाइल्ड, बट माय क्वेश्चन इज, ऑनलाइन क्लासेस कैन हेल्प हर और वी शुड गो फॉर अ फिजिकल वन? Both helps. It depends on who the therapist is. Both helps equally well. In lockdown, we had no chance of meeting our patients, but still, misarticulation therapy yeah. काफी अच्छी हो जाती थी. Okay? Thank you so much. Thanks a lot. Okay. Hello, ma'am. I have a question. Hello, ma'am. Yeah, ma'am. I have a question that my son, he is a special child.
एवरीथिंग इज नॉर्मल बट ही इज अनेबल टू हैव अ क्लैरिटी इन लैंग्वेज. लाइक आई कैन से कि लैंग्वेज डिसऑर्डर. लाइक वेन एवर ही स्पीक्स द वर्ड्स दैट दे आर नॉट क्लियर समटाइम्स. हेलो मैम. हेलो हेलो एम आई ऑडिबल? यस आपका एक कैन यू गिव मी एग्जांपल प्लीज. मैम जैसे अगर मैं उसको बोलूं कि मेरा नाम बोलो प्रगति, तो ही इज अनेबल टू स्पीक प्रगति. देयर कम्स द ब्लेंड्स ब्लेंड्स लाइक प्र श्र. ही इज अनेबल टू स्पीक दोज वर्ड्स. Okay, and with that he has the clarity is also not there in his language when he speaks, though he speaks the full sentences. Okay, so as an answer for previous patient, this is again a misarticulation case. So dekhiye do type ke misarticulation cases hote hain. Ek hota hai phonological ki main sound ko sun ke yaad nahi kar pa raha hu. Dusra hota hai articulatory, matlab main samajh to gaya hu lekin bolne mein dikkat ho rahi hai. तो स्पीच थेरेपिस्ट टेक्स केयर ऑफ कि कौन सा प्रॉब्लम है, फोनोलॉजिकल या आर्टिकुलेशन. आई एम वेरी सॉरी द नॉइज इज इन माय एंड ओनली. ओके आई एम स्टिल ट्रैवलिंग फॉर आउट. व्हाट आई एम आंसरिंग इज कि एज अ स्पीच थेरेपिस्ट फोनोलॉजिकल एरर है दैट इज समझ में या आर्टिकुलेटरी इन बोलने में. उसके थ्रू हियरिंग टेस्टिंग के बाद फॉलोड वी कैन स्टार्ट थेरेपी फॉर हिम एंड इट कैन इम्प्रूव फॉर श्योर प्रोवाइडेड द एज इज लेसर. एंड okay ma'am, then I have another question that my son, same son, he also has a self talking habit. Okay. Like and he talks to the context, he doesn't talk absurd. When as you know the kids watch TV, YouTube channels, whatever he sees, so he enacts also, and he talks also those dialogues, I can say, those conversations which he's seen in the TV. Mm-hmm. Okay. So, answering this, is it normal? Is it normal? Is it normal? Is it normal? Pardon, ma'am? Is this normal and how to reduce, right? Is that your question? Yeah. I want to ask you, how can I work on it that I can avoid it? How can I remove? Yeah, that is what my question. See, a child seems to be उसे थोड़ा सा sensory deprivation हो रहा है kid को. जितना मैं देख रही हूँ वो खुद को stimulate कर रहा है auditorily. मतलब also I think so even with the lockdown and with the examples you gave, possibly the screen time is very high for this kid. Okay. Yeah. Okay. So yeah. First thing you have to gradually reduce it. Also negatively reinforce whenever he's saying this. देखिए कुछ लेवल ऑफ चाइल्ड सेल्फ प्ले प्रिटेंड प्ले बिल्कुल करता है. जैसे बच्चा अपने टॉय से खेलते हुए डायलॉग्स बोल रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन वो चार लोगों के बीच में अचानक इम्पल्सिवली बात करे डायलॉग्स बोले ये रॉन्ग है. आप समझ रहे? नहीं कभी ऐसे तो नहीं करता. व्हेन ही इज इन अ सोशल ग्रुप या कोई किसी के साथ बैठा है तो नहीं करेगा. व्हेन ही इज अलोन एंड ही इज सिटिंग आइडल देन ही डज दिस. And if he does this there and he's playing with the toys and telling a dialogue, it's totally fine. It's totally fine. Okay? Unless as long as वो चार लोगों के बीच में अचानक कर रहा है, socially वो impaired या अलग लगे, तब तक it's fine. It just seems to be a child's way of doing pretend play. कोई ऐसे ये concern नहीं दिखाई जाता. Okay. Does it mean, ma'am, that I should inculcate or I should try to increase his interactive communication? Very much, too much, through and the screen time is a root of many problems with children. So please, push to be dhyan lijiye. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Okay. Hello, ma'am. मेरी 10 साल की बेटी है, ma'am. तो वो speech मतलब है ma'am उसका speech, वो sentence भी बोलती है. बट उसका रिपीटेशन बहुत है मैम. मतलब एक ही चीज बार बार बोलना वो वैसा बोलती है मैम. तो वो कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ मैम वो बहुत सारी चीजें रिपीट करती है. क्या पूछा आपने? बहुत रिपीट करती है. अगर मैंने उसको बोला हम कल सॉरी गार्डन जाने वाले,
तो वो जब तक वहां पे हम जाते नहीं तब तक वही बात, मतलब कितनी बार बोलती है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं उसको क्या आंसर दूँ। तो ये जो आप इशू कह रहे हैं इसे हम इकोलेलिया बोलते हैं, क्या फिर सुन पा रहे हैं? हाँ तो इकोलेलिया इशू करने के लिए हर बार वो बोलने के बाद आपसे जो अपेक्षित है उससे भी अपेक्षित है वो बोलिएगा, जैसे हम गार्डन जाने वाले हैं चलो चलते हैं, ऐसा बोलिए। तो एक्सपेक्टेड रिप्लाई उससे होता है चलो चलते हैं बोलना। ओके ओके हेलो मैम, आप इकोलेलिया, हेलो मैम, इको ले लिया उसको रिड्यूस कैसे करना है मैम? सॉरी हेलो मैम बोलिए। हाँ मैम, मेरा बेटा है 6 साल का, सातवीं। मैम उसका क्या स्पीच डिले है? एक्चुअली 1.5 ईयर का था तो बोलता था वो अच्छे से, बट मैम उसको कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम है थोड़ा अकड़ी, तो उसके बाद ना मैम उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट स्लो हो गया है मैम। तो एक्चुअली हमने डॉक्टर को बताया अनुसार शुरू किया उसका ओटी वगैरह, बट मैम अभी भी स्पीच उसका नहीं है मैम, सिलेक्टेड वर्ड्स बोलता है, जॉइंट्स नहीं कर पाता है वर्ड्स को, और अभी मैम थोड़ा हाइपर एक्टिव भी हो गया है। मैम अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है, तो उसे कन्वर्जेंस कंट्रोल रहे उसके लिए मेडिकेशन कंटिन्यू कीजिए, तो अटेंशन स्पैन सिटिंग बिहेवियर इन चीजें एडिक्वेट है क्या, तो स्पीच वो चेक कीजिए, मतलब भाषा शुरू करने के वो प्री रिक्विजिट है, दैट मींस सेड देन बेसिक इमिटेशन स्किल्स, वन स्टेप कमांड, ऐसे करके एक थेरेपिस्ट के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं उसको इम्प्रूवमेंट। ओके ओके मैम, अपने नेपियर सेंटर में सब हो जाएगा? हो जाता है, नवी मुंबई में मैं खुद अवेलेबल हूँ। नहीं नहीं मैं आती हूँ मैम नेपियर में, मेरा स्पेशल एजुकेशन का सेशन होता है वहाँ पे, तो मैम आप कब मिल सकते हो? आप कब मिल सकते हो? ओपीडी में आइए, विल टॉक। ओके मैम, हाँ ओके ओके, थैंक यू मैम। This will be the last question. Okay, it was a 1 hour session. This will be the last question, please. Bolia. Yeah. Ma'am, I have a 5 year daughter who is delayed daughter of mine. मेरे सबसे छोटी जो बेटी है वो delayed है, और वो जो बच्चा है वो self talk करती है लेकिन वो pretend play करती है कि वो teacher और सारे बच्चे हैं और अकेले कमरे में बैठ के बातें करती रहती है। Is it normal for a 5 year old person to do this? As I have just the same question was asked just a minute back. Pretend play is a good higher, इसे metalinguistic functions में बोलते हैं, ये अच्छी चीज है। जब तक ये impulsively चार लोगों के बीच में मतलब ऐसे अजीब नहीं लगे तब तक ये ठीक है। एंड जस्ट उसके एज के हिसाब से, अगर 5 year old है तो 4 to 5 वर्ड सेंटेंसेस क्लियरली बोलती है, क्या ये सारी चीजें आप देखिए। अनलेस दैट और कुछ कंसर्न है क्या, वो अकेले बात करती है, अकेले बोलती है, इतना ही है राइट? या मैम वो जैसे बैठी हुई है, चॉक ले लेगी, बोर्ड ले लेगी और शुरू हो जाएगी, सी दिस इज 1, सी दिस इज 2, दिस इज, देखिए ये सारी चीजें ना, ये एक YouTube इन एक्शन चालू है। एज यू अंडरस्टैंड YouTube पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं जहाँ पे एजुकेशनली ये डायलॉग्स के साथ की देखो दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज रेड, ये जो बोला जाता है तो शी इज सीन इट एंड शी इज सेइंग इट। ओके तो इस चाइल्ड का भी कहीं पे स्क्रीन टाइम आई एम वेरी श्योर कुछ आवर्स से ज्यादा है एवरीडे, तो ये आप थोड़ा सा कर्व कीजिए। एंड जब वो बोलती है उसका एक्सेंट पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे इंडियन स्पीकर्स भी एक वेस्टर्न एक्सेंट पकड़ रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ यूट्यूब। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। मैम ये निपट का सेंटर आपका कहाँ पे है नवी मुंबई में? ये नवी मुंबई खारघर में सेक्टर 5 में आता है, हम ऑर्गेनाइजर से मेन डिटेल्स आप ले सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। वी आर वर्किंग विद यू। हेलो हेलो जी, पार्टिसिपेंट को धन्यवाद। और यस मैम बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम 5 इयर्स का है मेरा बेबी, स्पेशल नीडेड डाउन सिंड्रोम है, वो पूरा फुली वर्बल है, 50% सिर्फ उसकी क्लैरिटी आई है अभी, मतलब बहुत सारे वर्ड्स क्लियर बोलता है बट बहुत कुछ कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं बोलता है मैक्सिमम, तो क्या करना रहेगा उसके लिए, क्योंकि थेरेपिस्ट तो वापस से वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, वही ओरल मोटर और वही सब देते हैं, तो लाइक 6 मंथ्स भी निकल जाता है तो भी वो कुछ फर्क नहीं दिखता है बच्चे में, तो आप कुछ बताएंगे मैम? जी, और मैं आंसर करती हूँ। देखिए डाउन सिंड्रोम में
आर्टिकुलेशन स्लोली बेटर हो सकता है, कहीं पे रेंज ऑफ मोशन टंग थिकनेस ये सारी चीजें एडिक्वेट है क्या, उस पर भी निर्भर है। ऑल्सो भी समझिए, जब आप एक गवर्नमेंट सेंटर में आते हैं, एक थेरेपिस्ट या दो थेरेपिस्ट आपको काफी लोगों को, काफी बच्चों को हेल्प करने के लिए ट्राई करते हैं। जैसे मेरे पास भी इस वक्त निपट सेंटर में करीबन 100+ किड्स की थेरेपीज है। एक्चुअली एक बच्चे की नीड ऐसी होती है कि वो इंटेंसिव थेरेपी ली जाए, मतलब हफ्ते में 3 बार या 4 बार, जो हम जितना हो सके ट्राई करते हैं, लेकिन जो जो होम प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, जो एक्टिविटीज बताए जाते हैं, उसको इंटेंसिवली करवाना 80% काम पेरेंट्स पे आता है। तो ऐसा नहीं होता है कि 6 महीने हो गए इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, 6 महीने के जो महीने के 4-4 सेशन हुए उसके ऊपर काम कितना हुआ है घर पे, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट। ठीक है, okay, तो yeah. डाउन सिंड्रोम बच्चे, आई फेस देम, आई मीट देम, आई नो वेरी गुड गर्ल्स एंड पीपल जो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप अपने बच्चे को पुश कीजिए, बेटर एक्सपेक्ट कीजिए एंड जस्ट वर्क ऑन इट, एंड जब जब रिक्वायरमेंट हो वो रेगुलरली एक हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो एक हमारे सेंटर्स पे आके डॉक्टर से बात कीजिए विद इम्प्रूवमेंट। तो मैम, हम लोग पुणे से हैं, तो आप क्या ऑनलाइन भी देते हैं क्या सेशंस? निपेड में पर्सनली आना पड़ता है, ओके, निपेड सेंटर्स में। ओके मैम, पुणे में भी रहते हैं कि अलग अलग सब जगह सिटीज वाइज रहते हैं क्या? हर जगह पे होता है, आप एक बार हमारे ऑर्गेनाइजर से डिटेल्स ले सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट स्पीच थेरेपिस्ट आरसीआई रजिस्टर्ड को सर्च करके भी उनकी तरफ ले सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके रुखसार, वुड यू जस्ट कंक्लूड द होल सेशन? रुखसार, सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद, और सुप्रिया मैम आपको भी थैंक यू आने के लिए। सभी पार्टिसिपेंट अब लीव कर सकते हैं, और आपकी बाकी जिनकी भी क्वेरी है आप प्लीज निपट की वेबसाइट पे विजिट कीजिए। धन्यवाद।